तो गाइस, अगर आपको बहुत ही खाना पसंद है आइसक्रीम, तो मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं खाने वाली हूँ आइसक्रीम, वो भी 24 घंटों तक, मतलब सुबह शाम रात हर टाइम बस आइसक्रीम ही ठूसूंगी मैं। तो आपको लाइक कर देना है वीडियो को। अब चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फैमिली, हम सब के दिन की शुरुआत होती है चाय से, और मैं भी आज के दिन की शुरुआत करूंगी चाय से, पर कुछ अलग तरीके से। ये रही मेरी चाय। अब मैं चाय में मिलाऊंगी आइसक्रीम, यम्मी यम्मी आइसक्रीम। अच्छे से मिलाओ चाय के साथ आइसक्रीम, ताकि आपका जो चाय है वो एकदम आइसक्रीम के साथ घुल मिल जाए और ऐसे गाढ़ा हो जाए। अब इसका मैं बनाऊंगी आइसक्रीम। One hour later. Finally, ये रही मेरी आइसक्रीम चाय। देखो एक बार कितना यम्मी लग रहा है। आइसक्रीम की चाय खाई है कभी आपने? इसको तो मैं बिस्किट के साथ खाऊंगी। खत्म गया। गाइस, आपने अगर कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो सच में ट्राई करके देखो। आइसक्रीम चाय ऑसम लगती है, ऑसम, और साथ में बिस्किट भी हो तो क्या ही बात है। गरम चाय से ज्यादा टेस्ट लग रहा है मुझे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो फैमिली, चाय के बाद अभी मुझे लगी है बहुत ही भूख, इसलिए मैं बनाऊंगी अभी एक स्पेशल चीज। देखो क्या बनाती हूँ। चलो भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा बटर लगाना है, हो गया। अब दूसरे में लगाना है थोड़ा सा जैम, यम्मी यम्मी जैम, सभी थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। अब इसमें जाएगा चॉकलेट सिरप, एक्चुअली ये चॉकलेट चटनी है, इसको भी ऐसे मिला दो। ये देखो, ये बन गया हमारा व्हाइट, ये रेड और ये चॉकलेट। अब हमें लेना है आइसक्रीम, एक स्कूप आइसक्रीम काफी है। इसको आपको डालना है ये बटर वाले पीस के ऊपर। अब इस रेड वाले के ऊपर हमें डालना है चीज, ग्रेट करके एकदम भर भर के चीज डालोगे, जितना डालोगे उतना टेस्ट आएगा। अब लेना है और इस चॉकलेट वाले के ऊपर डालना है, और इसको लेकर इसके ऊपर उल्टा कर फैला है, और इसको लेकर ऐसे उल्टा कर फैला है। फाइनली ऊपर से भी थोड़ा सा चीज डाल देना है। यार मेरा आइसक्रीम पूरा गल चुका है, देखो थोड़ा सा अगर जमा हुआ रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको इसे काटना है। अब बताओ ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। पता चल गया है तुम लोगों को, खा के देखती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा लगेगा। गुड यार, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मुझे भी चाहिए। ओके गाइस, अब बारी है चैलेंज का, क्योंकि सब ये चैलेंज कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो मेरे पास है 40 सेकंड, और 40 सेकंड के अंदर मुझे ये वाला आइसक्रीम खत्म करना है। ओके, टाइमर स्टार्ट, 40 सेकंड। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अभी मैं बनाऊंगी पिज्जा, क्योंकि पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। और तुम लोगों को पता है क्या पिज्जा कैसे बनाते हैं? दही डाल तो देख लो। बहुत सारा आइसक्रीम चाहिए हमें इसके लिए। कितना अच्छा बन रहा है, मुझे तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए। तुम सोचो कितना कुछ आता है मुझे, सारे रेसिपीज आती है मुझे। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज करना है। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। अब मुझे नहीं पता इतना बड़ा प्लेट इसके अंदर कैसे घुसेगा। प्लीज यार घुस जाना भैया, लग जाना। मेरे गल, मेरे गल, मेरे गल। One hour later. ये अब मेरा पूरा सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर लगाना है जैम, ताकि देखने में एकदम पिज्जा सॉस जैसा लगे। यार मेरा पिज्जा सही से बन जाना बस, और कुछ नहीं चाहिए। पिज्जा सॉस डालने के बाद, मतलब जैम डालने के बाद, अब बारी है चीज की। तो यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ व्हाइट चॉकलेट। अब टॉपिंग्स की बारी। टेंग, टेंग। Wow guys, कितना सुंदर लग रहा दिखने में। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे इसके ऊपर डालना है चोको चिप्स। पता है guys,
मैंने इसे बनाया है रात में डिनर करने के लिए, तो मैं इसे डिनर में खाऊंगी। तब तक मैं इसे सेट करने दूंगी क्योंकि 2-3 घंटा तो लगेगा आराम से इसे सेट होने में। बात तो सही है। चलो रेफ्रिजरेट करते हैं फिर से। कितना टाइम लगता है यार इसे बनाने में। रात के खाने का बंदोबस्त हो चुका है पर अब मैं रेडी होंगी थोड़ा सा और तैयार होके सुंदर से सज धज कर जाऊंगी बाहर स्नैक्स की तरह कुछ अगर मुझे अच्छा खासा आइसक्रीम मिल जाए तो। चलो बाहर चलते हैं घूमने। चलो मुझे लगा ये भी आइसक्रीम है। क्या सोच है रे तेरी? This is hot brownie. खाके देखते कितना गर्म है। ये जो स्वाद है ये वैनिला है। मैंने और भी वैनिला ट्राई किया पर और टेंडर कोकोनट के साथ एक रबड़ी भी देना। ये रबड़ी है, ये टेंडर कोकोनट है। अब ये जो कुत्ता है तू कुत्ता। पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो। दे शर्मो शर्म करो शर्म। ये एक्चुअली में आइसक्रीम नहीं है, ये खिचड़ी है। इसमें घी डाल देते हो तो और बढ़िया हो जाता। सारा फ्लेवर पूरा एकदम मिक्स होके इतना घटिया लग रहा है खाना। वैसे मैं दुकान के अंदर बैठ के घूम रही हूँ। मुझे जिंदगी में कभी यहाँ पर नहीं आना, मतलब क्या बताऊँ, मुझे रोना आ रहा है मेरा। 412 रुपये लग गया जब मैंने पेमेंट मैंने किया। बहुत गंदा रहा मेरे लाइफ का, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आइसक्रीम के साथ यही रहा। तो मैंने फाइनली इसे काट के पीस निकालना है मुझे। वाह गाइस, आइसक्रीम का पिज्जा पीस। चलो टेस्ट करते हैं। मेरा जो बनाया हुआ पिज्जा है ये बाहर के आइसक्रीम से काफी ज्यादा अच्छा बना है यार। गाइस तुम लोग भी एक बार ट्राई करनी चाहिए, बहुत ऑसम बना। तो गाइस मैं अपना डिनर खत्म करती हूँ, तब तक आपको वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा दिन आइसक्रीम ही ठूसा है। और आपको साथ में कमेंट करके बताना है कि कौन सा चैलेंज नेक्स्ट देखना है आपको। और हाँ नए दोस्त प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को और साथ में मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो खाते हैं।